अध्यक्ष जी, बहुत ही सार्थक चर्चा हुई, बहुत ही अच्छे सुझाव सभी सन्मान्य सदस्यों ने दिए। मैं सभी सदस्यों का, सभी नेताओं का धन्यवाद करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि अलग अलग पहलू पे इस चर्चा में जानकारियाँ भी पेश की गई, कुछ जानकारियाँ थोड़ी तोड़ मरोड़ के गलत भी पेश करी गई, कुछ कोशिश करूँगा जरूर ठीक करने की उसको। लेकिन एक साधारणता काफ़ी अच्छे मुद्दे इस चर्चा में निकले और एक प्रकार से मेरा तो हर वक्त ये मानना रहता है कि अगर आप डिलीवरी करो, अगर आप कोई विषय में अच्छा परफॉर्म करो, तभी व्यक्तियों की भी आशाएं और अपेक्षाएं बढ़ती हैं। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस सरकार ने जिस प्रकार से गत 5 वर्षों में तेज गति से विकास किया, प्रगति की और अन्य अन्य पहलुओं के ऊपर काम करते हुए भारतीय रेल को एक नए स्वरूप में देश की जनता के सामने रखा, स्वाभाविक रूप से उससे लोगों के बीच में और अपेक्षाएं जगी हैं और इच्छा शक्ति जगी है। और एक प्रकार से जो कई बार लोग कहते हैं, हम चुनाव वगैरह में जाते हैं तो लोग कहते हैं भाई मोदी है तो मुमकिन है, तो ये क्यों नहीं हुआ, तो वो क्यों नहीं हुआ। और एक प्रकार से वही भावना आज भी मुझे देखने को मिली, क्योंकि कई लोगों ने कुछ कुछ चीज़ों में बातें तो करी लेकिन वो भूल गए कि उसका जिनेसिस कहाँ से शुरू होता है, उसकी रूट कॉज एनालिसिस क्या है। छोटी छोटी बातों के ऊपर हम नोकझोंक कर सकते हैं, विपक्ष, अलग अलग दल सरकार के बीच में रह सकती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस सदन के सभी माननीय सदस्य इस बात में सहमत होंगे कि रेलवे एक नेशनल इंटीग्रेशन का साधन है, पूरे देश को जोड़ती है, पूरे देश के विकास का एक इंजन ऑफ ग्रोथ है, कैसे तेज विकास होता है उसका एक प्रतीक है। और ऐसी परिस्थितियों में कुछ आंकड़े अभी अंगड़ी जी ने भी दिए, जिसमें उन्होंने बताया कैसे डबलिंग हो, ट्रिपलिंग हो, क्वाड्रपलिंग हो, नई लाइनें हो, अलग अलग कामों में गति तेज करने का काम गत 5 वर्षों में हुआ है। अभी अभी माननीय वित्त मंत्री यहाँ थीं, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा, प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो थ्रस्ट और जो फोकस पिछले 5 वर्षों में, 6 वर्षों में रेलवे को मिला है, शायद ही इतिहास में कभी मिला होगा। मैं अभी भी देखता हूं कि 2014 के पहले साधारणतः कैपेक्स जो नई लाइनों में, नई रोलिंग स्टॉक, नई लोकोमोटिव में निवेश होता है, वो साधारणतः 40 से 50 हज़ार करोड़ रुपए रहता था। 14-15 के बजट में भी, और वो बजट हमारे आने के पहले लगभग पेश हो गया था, जुलाई में हमने फाइनल बजट दिया, पर आधार तो वही पुराना इंटरिम बजट का था, तो 58,000 करोड़ 14-15 में निवेश हुआ था। इस वर्ष के बजट में अध्यक्ष महोदय 1,61,000 करोड़ का निवेश कैपेक्स में होने जा रहा, यानी लगभग 2.5-3 गुना। और ये लगातार सिलसिला ऐसा रहा है, बढ़ोतरी होती रही है, निवेश किया गया है, और इसी निवेश के कारण आज अन्य अन्य पहलुओं पे रेलवे में अभूतपूर्व काम हुआ। छोटे उदाहरण चाहिए हो तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अनमैन लेवल क्रॉसिंग बंद होना चाहिए, तो मैं समझता हूँ सबकी सामान्य राय थी, किसी का इसमें मतभेद नहीं होगा, लेकिन एक स्लो पेस पे करना या उसको फोकस देके स्पीड पे करना। मोदी जी ने जब स्टेटिस्टिक्स देखे और देखा कि 1/3 एक्सीडेंट्स सिर्फ अनमैन लेवल क्रॉसिंग के कारण होते हैं, लोगों की जान जाती है, मृत्यु होती है, तो वो आदेश दिया कि अनमैन लेवल क्रॉसिंग को क्यों नहीं खत्म किया जा सकता है। मुझे अभी भी याद है जब मीटिंग में निर्णय हुआ और मैंने कहा कि 12 महीने में हमको पूरी तरीके से अनमैन लेवल क्रॉसिंग खत्म करने, तब का आंकड़ा देख के सब लोग चौंधे आ गए। अधिकारियों ने भी कहा कि तो बड़ा ही मुश्किल मामला है, संभव नहीं है, परंतु
असंभव को संभव बनाना, यही तो विशेषता प्रधानमंत्री मोदी जी ने गत 5 वर्षों में देश के समक्ष रखी है। मुझे आज तक याद है, ये मीटिंग मेरे मंत्री बनने के शायद कुछ ही दिनों बाद बरोड़ा हाउस में हुई थी, जिसमें मैंने पूछा गणेश चतुर्थी कब है अगले साल, और एक तारीख बताई गई, शायद 2 अक्टूबर थी या कोई ऐसी तारीख थी, याद नहीं है। मैंने कहा बस गणेश चतुर्थी तक हमें सब अनमैन लेवल क्रॉसिंग खत्म करने, 11 साढ़े 11 महीने रह गए थे। मेरे भी मन में रेलवे की ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं थी, डर भी लगा हुआ था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी का पक्का इरादा था कि करना ही है। और जब रेल की पूरी व्यवस्थाएं, पूरे अधिकारी, पूरे कामगार लग गए, तो मुझे आनंद है बताते हुए कि उस दिन नहीं पर उस दिन तक तो लगभग देश भर में 400 रह गए थे, और उसके तो 2-3 महीने बाद पूरी तरीके से ब्रॉड गेज जो नेटवर्क है देश में, उसमें अनमैन लेवल क्रॉसिंग्स को इतिहास बना दिया गया, पूरी तरीके से ख़त्म कर दिए गए। बाड़मेर राजस्थान में कुछ टेक्निकल कारणों से 60-70 शायद बचे हैं, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, उसमें हम अनमैन नहीं कर पा रहे हैं, उसमें अलग तरीके से सेफ्टी पे ध्यान दे रहे हैं। लेकिन ऐसी एक एक विषय पे गंभीरता से और समयबद्ध तरीके से समस्याओं का समाधान करने से मुझे आज आप सबको बताते हुए खुशी है अध्यक्ष जी आपके माध्यम से कि आज 17 मार्च 2020 यानी 11.5 महीने इस वर्ष के पूरे हो चुके हैं। इस वर्ष एक भी यानी 0 पैसेंजर्स की मृत्यु हुई है रेल की दुर्घटना के साथ। इसका पूरा श्रेय मैं समझता हूं भारतीय रेल के 13 लाख कर्मचारियों को जाता है। अधिकारी कर्मचारी सब मिलके जिस प्रकार से इस विषय के बारे में चिंता कर रहे हैं, जिस प्रकार से उनके मन में ये प्रतिबद्धता है कि हम सेफ्टी को हमारा मूल मंत्र बनाएंगे, ये अपने आप में एक विशेषता मैंने जो रेल के कर्मचारियों में देखी, और एक प्रकार से आगे चल के भी मुझे पूरा विश्वास है इसी प्रतिबद्धता के साथ वो आगे काम करते रहेंगे। भगवान ना करे कोई गलत काम हो जाए, गलती भी हो जाए, तो मैं समझता हूँ सदन उसको उस स्पिरिट में लेगा कि भाई पूरी प्रयत्नों के बावजूद कभी एकाध तकलीफ आ भी जाए, कभी किसी एक सांसद किसी पैसेंजर को तकलीफ आ भी जाए, तो क्या दिशा सही दशा की तरफ जा रही है या नहीं जा रही है, ये तय करना मैं समझता हूँ ज़्यादा आवश्यक है। और रेल बजट ने इस बार के और गत कुछ वर्षों के रेलवे की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरी तरीके से पूरा करने का जो काम किया, उससे हमारे हाथ मजबूत हुए, उससे हमारे में क्षमता आई कि ऐसे कामों को हम बल दे सकें। अटल जी ने भी एक बार कहा था कि हमारी जो लक्ष्य है वो आसमान को छूनी चाहिए, लक्ष्य छोटा मत रखिए। हो सकता है लक्ष्य पूरा ना हो पाए, लेकिन आप लक्ष्य छोटा रखोगे तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कैसे हो सकेगा। और यही कल्पना से हमने हर बार लक्ष्य को ऐसा बड़ा रखा कि कई बार लक्ष्य पूरा ना हो, लेकिन लक्ष्य प्राप्त करने की चाहत ने हमको इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी आगे बढ़ा दिया। एक उदाहरण आपके समक्ष रखूंगा, विद्युतीकरण की बात कई मान्य सदस्यों ने की, 2013-14 में लगभग 610 किलोमीटर का विद्युतीकरण हुआ था रेलवे में, 610 किलोमीटर पिछले साल हमने लक्ष्य तो रखा था 6000 किलोमीटर का। मैं माफी चाहता हूं 6000 नहीं कर पाया, 5276 कर पाया, लेकिन अध्यक्ष महोदय अगर मैंने 6000 का लक्ष्य ही नहीं रखा होता तो शायद 5276 भी नहीं होते। 600 का लक्ष्य अगर हम 10% बढ़ा दें 700 कर दें, और 10% 12% बढ़ा दें 800 कर दें 900,000, तो उसी के इर्द गिर्द काम व्यवस्थाएं बनती रहेंगी। पर जब ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, जब परिवर्तन को बहुत बड़े रूप में देश को चाहिए, तब लक्ष्य भी बड़ा होना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है, कई मान्य सांसदों ने संदेह व्यक्त किया
कि शायद हम 2024 तक नहीं कर पाएंगे इलेक्ट्रिफिकेशन। मेरा विश्वास है कि हमारे रेल के कर्मचारियों में जो जो प्रतिबद्धता है, जिस प्रकार से जुनून है, वो शत प्रतिशत 2024 तक रेलवे को पूर्णतः विद्युतीकरण करके इस देश को एक नहीं कई सारे लाभ पहुंचाएंगे। लाभ कैसे अध्यक्ष महोदय? प्रदूषण कम होगा। लाभ कैसे? विदेश से जो कच्चा तेल आता है वो कम हो जाएगा और हम बिजली के माध्यम से रेलवे चलाएंगे। लाभ कैसे? कि हम विदेशी फॉरेन एक्सचेंज बचाएंगे, विदेशी मुद्रा बचेगी तो उससे रुपए की कीमत भी मजबूत होगी, देश में महंगाई भी कम होगी। ये सब इंटरलिंक रहता है। और एक सबसे बड़ा लाभ होगा कि जो डीजल का खर्चा रेलवे में होता था उसके निस्बत बिजली, और ये ध्यान रहे कि बिजली स्वदेशी है, चाहे वो कोयले से बने, चाहे वो सौर्य ऊर्जा हो, पवन ऊर्जा हो, ये हमारी स्वदेशी बिजली मिलती है। स्वदेशी बिजली से महात्मा गांधी जी का स्वदेशी रेलवे चले, मैं समझता हूँ उससे ज़्यादा आनंद की बात किसी के लिए नहीं हो सकती। और हजारों करोड़ रुपए, अनुमानित 13 से 16 हजार करोड़ रुपए सालाना रेलवे के बचेंगे, और वो बचत एक प्रकार से हमारे यात्रियों के खाते में जाएगा, क्योंकि यात्री भाड़ा नहीं तो बढ़ाते बढ़ाते कब तक बढ़ाएंगे, ये चिंता हमारे सामने रहती है, जिसके कारण हम बहुत संभल संभल के, बहुत कम तरीके से, कभी कभार जब बहुत अनिवार्य हो जाता है तभी यात्री भाड़ा बढ़ाते हैं। और इसकी सराहना की गई है कि हमारे 5 साल के कार्यकाल में यात्रियों की सुविधाएं तो कई गुना बढ़ी हैं, लेकिन किराए में बहुत ज्यादा संतुलन रखा गया। कई मान्य सदस्यों ने जरूर ये कहा कि रेल बजट का एक अपना चार्म था, अलग होना चाहिए, पर मैं समझता हूँ इसके बारे में कई बार चर्चा हो चुकी है, अलग बजट यानी एक राजनीतिक घोषणा पत्र के अलावा कुछ नहीं था। झूठे वादे, कई सारी रेलवे लाइन अनाउंस करना, नई ट्रेनें अनाउंस करना, सालों साल तक उस पर कोई काम ना होना, एक बजट में अनाउंस होना कि कोई नई लाइन बनने वाली है, एक शायद चुनाव भी उसके खाते जीत जाना, अगले चुनाव तक सर्वे शुरू करना, तीसरे चुनाव तक कुछ थोड़ी बहुत अप्रूवल प्रोसेस कैबिनेट से लेने की कोशिश करना, चौथे चुनाव तक जमीन का अधिग्रहण शुरू करना, पांचवे चुनाव तक कहना कि अब जमीन इतनी महंगी हो गई है प्रोजेक्ट को रिवर्क करना पड़ेगा। ऐसे करते करते अध्यक्ष महोदय सैकड़ों प्रोजेक्ट, और मुझे तो जब मैं फाइलें देखता हूँ, जब प्रोजेक्ट्स की स्टडी करता हूँ, मान्य सदस्य आते हैं बड़े उम्मीद के साथ आते हैं कि भाई हमारा प्रोजेक्ट तो फलाने फलाने वर्ष में सैंक्शन हो गया था, आप काम क्यों नहीं कर रहे हो, फंड्स क्यों नहीं दे रहे हो, तब मुझे दुख से बताना पड़ता है वो तो एक अनाउंस हुआ था लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, या कोई वायबिलिटी नहीं है उस प्रोजेक्ट की, या उस प्रोजेक्ट के लिए जमीन नहीं है। और मैं समझता हूँ कि अकलमंदी की बात यह है कि रादर देन यू स्प्रेड योर रिसोर्सेज थिन, अगर हमारे पास 100 रुपये हैं, आप 500 प्रोजेक्ट में 20-20 पैसे दे दो, एक भी प्रोजेक्ट खत्म नहीं होगा, 500 के 500 प्रोजेक्ट की लागत बढ़ते जाएगी, और सालों साल बस ये खुशी रहेगी कि थोड़ा पैसा मिल गया मुझे प्रोजेक्ट के लिए, पर जमीन तो है नहीं तो पैसा लगता नहीं है, पैसा लगता है तो सिक्योरिटी में लग जाता है, जमीन जो है उसको बचाने में लग जाता है, लेकिन प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस नहीं होती है। हमने 58 प्रोजेक्ट्स को सुपर क्रिटिकल कैटेगरी और 68 प्रोजेक्ट्स को क्रिटिकल कैटेगरी में कैटेगराइज करके, जहां जहां जमीन पूरी तरीके से हमारे हाथ में है, जहां जहां फॉरेस्ट क्लियरेंस हमारे पास है, जहां राज्य सरकार की सहमति है, सहयोग है, राज्य सरकार की जो लागत लगनी है उस लागत का भुगतान समय समय पे हो रहा है, उस पर फोकस करके हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द प्रोजेक्ट्स खत्म हो, प्रोजेक्ट्स कंप्लीशन की तरफ आए, रादर देन सिर्फ प्रोजेक्ट के ऊपर लंबे अरसे तक थोड़ा थोड़ा पैसा बांटा जाए। इससे आपको कई प्रोजेक्ट्स पे 1000 रुपए दिखते हैं, कई चिंतित हैं माननीय सदस्य,
मैं अपने साथ पेपर्स लाया हूं और मैं कोई एक स्टेट को सिंगल आउट नहीं करूंगा, मैं हर स्टेट के पेपर लाया। ये माननीय अध्यक्ष महोदय पश्चिम बंगाल के सब प्रोजेक्ट्स का ब्यौरा है, कैसे एक एक प्रोजेक्ट में जमीन ना होने के कारण, किधर फॉरेस्ट क्लियरेंस ना होने के कारण, किधर एंक्रोचमेंट के कारण हम प्रोजेक्ट्स को तेज गति जो देना चाहते हैं दे नहीं पा रहे। एक तो प्रोजेक्ट माननीय अध्यक्ष महोदय 74 का है, 1974, आज तक वो 110 किलोमीटर का प्रोजेक्ट था, 42 किलोमीटर कमीशन हो पाए, बाकी सब अटका पड़ा है। बगरिचा से, बरगचिया से चंपा दंगा से तारकेश्वर, आमटा से बागनन, जांगीपरा से फुरफुरा शरीफ, और ये मैं गिनते जाऊँ तो हर प्रोजेक्ट का है। पर ऐसा मत सोचिए मैं सिर्फ पश्चिम बंगाल का लाया हूँ, ये केरल के हर प्रोजेक्ट का है। माननीय सदस्य ने कहा केरल में निवेश नहीं हो रहा है, पर्याप्त मात्रा में निवेश नहीं हो रहा है, जितना रिक्वायरमेंट है नहीं हो रहा है, हम कैसे करें। और वैसे तो मुख्यमंत्री जी को मैं पत्र के ऊपर पत्र लिख चुका हूँ, ये माननीय अध्यक्ष जी सब पत्र हैं, सभी माननीय मुख्यमंत्रियों के पत्र हैं हर राज्य के, जो माननीय सदस्य चाहे मेरे से ले सकते हैं। आप हमारी मदद करिए, आपके राज्य में हमें जमीन दिलवाइए, आपके राज्य ने जो कमिटमेंट दिया है कि हम इसमें भुगतान में 50% देंगे या जमीन आपको देंगे, अगर मदद मिले राज्य सरकारों की तो हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, जिस प्रोजेक्ट में जमीन और जो राज्य का निवेश का शेयर है वो मिले उसको हम फास्ट ट्रैक करने के लिए तुरंत काम करेंगे। हम तो चाहते हैं अधिक से अधिक रेलवे देश के कोने कोने तक पहुंचे। और जैसा माननीय गुलाम नबी जी ने अभी अभी पूछा, कटरा से बनिहाल का प्रोजेक्ट, सबसे पहले तो मैं आपको खुशखबरी दे दूं कि आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के पहले, अगस्त 2022 के पहले ये खत्म हो जाएगा, बनिहाल से कटरा और कन्याकुमारी से सीधा बारामुल्ला तक एक हो जाएगी भारतीय रेल। उसी समय में हम केवड़िया से यहाँ पे, कच्छ से कामरूप तब तो है पर हमें केवड़िया से भी एक रेलवे लाइन जोड़ रहे हैं, जिससे जो भारत के आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं उनकी ट्रिब्यूट के नाते जो विश्व का सबसे ऊंचा स्टैच्यू जो केवड़िया में बना है उसको भी हम भारतीय रेल से जोड़ेंगे। एज इंडियन रेलवेज हम्बल ट्रिब्यूट टू सरदार पटेल एंड फॉर यूनिफाइंग इंडिया, द ट्रू यूनिफायर ऑफ इंडिया विल बी गिवन अ ट्रिब्यूट बाय द इंडियन रेलवेज विच इज द ऑपरेशनल यूनिफायर ऑफ इंडिया ऑन द ग्राउंड। और मैं समझता हूँ इसमें भी शायद आजाद साहब आपको याद होगा कि 4-5 साल ये प्रोजेक्ट अटक गया था क्योंकि कुछ PIL फाइल हो गया था कोर्ट में, जिसका फाइनल रूलिंग रेलवे के हक में आया और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल हो गया। जुलाई 2016 में रेलवे ने एक केस सुप्रीम कोर्ट में जीता और उसके बाद ही तेज गति से इस पे काम शुरू कर पाए। उसमें भी आप जानते हैं, सभी जानते हैं, थोड़ा बहुत उग्रवाद वगैरह की वहाँ पे तकलीफ थी कश्मीर में, लेकिन मुझे आप सबको बताते हुए खुशी है गत 18-19 महीनों में बहुत तेज गति से इस पे काम चल रहा है। चेनाब नदी के ऊपर जो पुल बन रहा है वो विश्व का सबसे ऊंचा पुल, रेल पुल बनने जा रहा है और उसका काम देखने लायक है। कोई माननीय सदस्य जाना चाहें तो मैं अरेंज करने के लिए तैयार हूँ, आपका भी सीना चौड़ा हो जाएगा गर्व के नाते, कैसे हमारे इंजीनियर्स, कैसे हमारे कर्मचारी वहाँ पे काम कर रहे हैं। सर, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि रेलवे के इस प्रोजेक्ट में, कश्मीर के इस प्रोजेक्ट में जो निर्धारित निवेश हर साल रखा जाता था वो साधारणतः लैप्स हो जाता था। पिछले वर्ष रादर ये जो वर्ष चल रहे हैं, इस वर्ष जो अप्रूव्ड अमाउंट था पूरा एग्जॉस्ट हो गया, फिर भी भारतीय रेल ने प्रधानमंत्री जी की विशेष अधिकारों के कारण एक स्पेशल रीडिस्ट्रीब्यूट किया, जो प्रोजेक्ट प्रोग्रेस नहीं कर रहे थे उस तेज गति से उससे पैसा इस प्रोजेक्ट को दिया और रिकॉर्ड निवेश करंट ईयर में इस प्रोजेक्ट में होने जा रहे हैं। और इसी के कारण अगले वर्ष भी माननीय वित्त मंत्री ने लगभग डबल कर दिया है
जो निवेश इस प्रोजेक्ट में दिया जाएगा। और ये हर राज्य की मैं लेके आया हूँ, मतलब एक एक राज्य की यहाँ सुनाने लायक है नहीं, हर राज्य की कहानी मैं साथ में लाया हूँ। और अगर सबका साथ मिले तो सबका विकास भी हो सकेगा, और ये तो सबका विश्वास है ही कि मोदी जी हैं तो विकास आना ही आना है। अध्यक्ष महोदय, हमने सिर्फ सेफ्टी के ऊपर कदम उठाए ऐसा नहीं है, सेफ्टी पे तो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी कदम उठाए गए, और यहाँ तक के कई सारे आइटम्स जो सेफ्टी में नहीं गिने जाते थे उनको भी सेफ्टी में डाला, जिससे पैसे की तंगी के कारण कभी हम कॉम्प्रोमाइज ना कर पाए सेफ्टी के कार्यों को। सुरक्षा फंड जो है, रेल सुरक्षा फंड, उसमें भी अधिक से अधिक पैसा रेल बजट के माध्यम से रेलवे के सरप्लस से दिया जा रहा है। पर साथ ही साथ हमने रोलिंग स्टॉक में भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया। आप सब जानते हैं एक है पुराना डिजाइन ICF का और एक है नया, तो नहीं बोल सकते 30 साल पुराना है, पर उस पर बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ था, इससे मैं उसको नया डिजाइन कहता हूं, LHB कोच का। अध्यक्ष महोदय, 2009 से 2014 पांच वर्ष के बीच 1866 LHB कोचेस बने भारतीय रेल में, बाकी नॉर्मल कोर्स में ICF कोचेस बनते जा रहे थे। जब हमारी सरकार आई तब हमने देखा कि LHB कोचेस का जब हम रिकॉर्ड देखें तो लगभग जीरो फेटलिटी होती है, वो एक के ऊपर एक चढ़ते नहीं है, कभी एक्सीडेंट वगैरह भी हो तो जाके टर्टल, दे डोंट टर्न टर्टल, वो अटक जाते हैं एक जगह पर। तो हमने पूछा ये ICF कोच बन क्यों रहे, कोई जवाब नहीं था, बस बने जा रहे हैं, क्योंकि किसी ने सोचा ही नहीं कि रेलवे में एक आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। और मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि कहां 1800 कोच और कहां गत पांच वर्षों में 9932 LHB कोच पिछले पांच वर्ष में। और अध्यक्ष महोदय, गत दो वर्षों से तो ICF कोचेस बनाना ही बंद कर दिया, टोटल स्टॉप, और अब सब कोचेस LHB डिजाइन के बनते हैं। मुझे आपको सूचित करते हुए ये भी खुशी होती है कि इसमें भी हमने बहुत तेज गति से प्रोग्रेस किया है प्रोडक्शन में, जो 2013-14 में कुल कोचेस 3290 बने थे, वो इस वर्ष लगभग 8000 कोच बनने जा रहे हैं, यानी 2.5 गुना प्रोडक्शन। आई एम नॉट टॉकिंग ICF LHB अलग, टोटल कोच प्रोडक्शन 3290 से बढ़ के लगभग 8000 कोच होने वाला है 2019-20 में। और अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी खुशी की बात है कि सबके सब मॉडर्न डिजाइन के होंगे, LHB होंगे या उससे भी बेटर डिजाइन के वंदे भारत की तरह। लेकिन इसमें एक मैं विशेष रूप से जानकारी शेयर करना चाहूंगा, मुझे विश्वास है आप सबका भी सीना चौड़ा होगा ये जानकारी प्राप्त करके कि एक सरकारी फैक्ट्री रायबरेली में फैक्ट्री है, जिसकी कल्पना तो की गई थी आज से 12 साल पहले, लेकिन 2014 तक एक भी खुद का कोच नहीं बनाया था। 2014 तक उसमें जनरल मैनेजर तक नहीं था, स्टाफ नहीं था, कपूरतला या चेन्नई से कोच आते थे, पेच लगाए जाते थे, रंग लगाया जाता था, और एक भी कोच खुद का नहीं था। अगस्त 14 में उसका पहला कोच बना जो खुद का बना, वहां पे कोच का निर्माण हुआ। अध्यक्ष महोदय, अगस्त 14 से बढ़ते बढ़ते एक फैक्ट्री जिसकी क्षमता मात्र 1000 कोच की है, मुझे गर्व के साथ आज आप सबसे बताते हुए खुशी होती है, इस वर्ष वो फैक्ट्री 1000 कोच की क्षमता वाली फैक्ट्री 2000 कोच बनाने जा रही है, 2000। यानी सरकारी फैक्ट्री PSU जो साधारणतः अगर 50-60% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कर ले तो हम सब बड़ा संतुष्ट होते, वो 200% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे काम करेगी। क्यों?
क्योंकि वहाँ के कर्मचारी, वहाँ की मैनेजमेंट में एक जोश है कि हमें ये करना है, करके दिखाएंगे। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ पे गए थे, उन्होंने वहाँ पे विजिट किया। जब मैंने उनको शुरू में बताया किस प्रकार से वहाँ प्रगति हो रही है, वो बड़े आनंदित हुए सुन के कि 14-15 में 140 कोच बने, 15-16 में डबल करके 285 कोचेस बने, 16-17 में फिर डबल किया 576 कोचेस। उनको बड़ा आनंद आया। तो करीब 2018 के अंत में माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद विजिट किया मॉडर्न कोच फैक्ट्री को। 2017-18 में 711 कोचेस बने हैं, अनुमानित था कि करीब 650 बनेंगे, 711 बने। प्रधानमंत्री जी ने ऐसा उत्साहित किया वहाँ के कर्मचारियों को, जब उन्होंने वहाँ पे उनको संबोधित किया, बातचीत की, 17-18 में 711 बने, 18-19 में 1425 कोच बने, एक ही वर्ष में डबल करके 700 से 1400, और इस वर्ष 2000 कोच। मैं समझता हूँ ये शायद एक विश्व रिकॉर्ड होगा, मुझे और जानकारियाँ निकालनी पड़ेंगी। ऐसा ही ICF चेन्नई में, हमारे चेन्नई के कर्मचारी 13-14 में 1604 कोच बनाते थे, इस वर्ष अनुमानित 4238 कोच बनेंगे। कहाँ 1600, कहाँ 4238। ये एक काम करने का ढंग है, काम करने की एक स्पीड का मैंने अनुमान देने की कोशिश की। मैं हाल में शनिवार के दिन बनारस में था, माननीय प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में, वहाँ पे जब मैं DLW का विजिट कर रहा था तो 295th कोच का फ्लैग ऑफ किया। मैंने पूछा कितना बनाओगे, बोले 315 इस साल टारगेट है। मैं कहा टारगेट क्या होता है, ज़्यादा बनाओ? बोलते हैं पर रेलवे में रूल है कि टारगेट के से ज़्यादा नहीं बना सकते। मैंने कहा मैं आज टारगेट निर्धारित करता हूँ कि अगले साल आप बताओ कितना बना सकोगे। अध्यक्ष महोदय तो लगभग बोली लगने का तरह का माहौल बन गया था। और जब मैंने कहा 501, तो तालियों के गुनगुनाहट थी पूरे फैक्ट्री में, ऐसा उत्साह था कर्मचारियों में। और कुछ ने तो यहाँ तक मेरी टिप्पणी की, साहब हम 501 से भी ज़्यादा बना के दिखाएंगे। ये है उत्साह हमारे कर्मचारियों का। अध्यक्ष महोदय, पहले सुना करते थे, माननीय सदस्य आते थे कि हमारे यहाँ पे अनमैन लेवल क्रॉसिंग को बंद किया जाए। मुझे आज खुशी है कि आज सदस्य जब आते हैं तो कहते हैं मेरे मैन लेवल क्रॉसिंग पे मुझे अंडरपास चाहिए या ओवरपास चाहिए। और आपको सूचित करते हुए खुशी होती है कि लगभग 9 से 14 के बीच 1000 लेवल क्रॉसिंग्स को कन्वर्ट किया गया था ROB RUB द्वारा। पिछले 5 वर्षों में हमने बढ़ा के इसको 2300 कर दिया, 2300 लेवल क्रॉसिंग्स को एलिमिनेट किया। और इस वर्ष का अगर मैं आपको बताऊं तो पहले ही 8 महीनों में लगभग 850 मैंड लेवल क्रॉसिंग को एलिमिनेट कर पाए। अब मैं जिस जोन का रिव्यू करता हूं, जो उत्साह से बताते हैं कि हमारा टारगेट इतना था, हमने उससे ज़्यादा करके दिखाया। तो लेवल क्रॉसिंग्स को भी आस्ते आस्ते, और हम प्रायोरिटी कर रहे हैं जहाँ पर भीड़ ज़्यादा होती है, शहर के इलाके, उसमें जल्द से जल्द मैंड लेवल क्रॉसिंग खत्म हो। इसी के साथ साथ एक कई माननीय सदस्यों ने बात रखी थी वाटर लॉगिंग की, कि कई बार पानी अंडर पास में पानी भर जाता है। हमने 8519 सबवेज और रेल अंडर ब्रिजेस का सर्वे किया, 2044 में ये समस्या पाई गई, उसमें से 715 पे हमने इसको सुलझा दिया, समस्या खत्म कर दी है। बाकी जो रहते हैं उनका भी अगले कुछ महीनों में मैंने सबको अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अगली बारिश के पहले हम वहाँ पंप लगाएं या सम्प बना के ये वाटर लॉगिंग के प्रॉब्लम से निजात करें, लोगों को सुविधा दें। लेकिन आप सबसे इतना अनुरोध जरूर करूँगा, कभी बहुत ही बड़ी बाढ़ आ जाए, बहुत ज़्यादा तेज बारिश हो,
कभी एकाध दो दिन समस्या आ सकती है, उतना तो थोड़ा बहुत हमें भी अकोमोडेट करना पड़ेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल देयर इज अ लिमिटेशन टू टेक्नोलॉजी आल्सो। कितना वो माननीय मंत्री जी, एक मिनट। माननीय सदस्यगण, रेलवे पर चर्चा के लिए कुल समय निर्धारित था 4 घंटे, अब तक हम लोग लगभग 5 घंटे 8 मिनट लगभग बात कर चुके हैं, इसलिए मेरा आग्रह होगा कि दो लेजिस्लेटिव बिजनेस में है उसको हम लें, इसलिए आप कृपया ध्यान रखें। स्वच्छता की बात पे तो कई सारे सदस्यों ने काफ़ी कुछ अच्छी बातें बताई। मैं समझता हूँ कि 2019 में राष्ट्रपति जी द्वारा बेस्ट परफॉर्मिंग मिनिस्ट्री का भी हमें उपहार मिला है, लेकिन आज कोई रेलवे स्टेशन देख लीजिए और आपको ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, रूम नंबर 7 में मेरे कार्यालय में आ जाइए या रेल भवन में आ जाइए, आपको स्क्रीन पे जो रेलवे स्टेशन देखना है उस रेलवे स्टेशन के रीसेंट पिक्चर आपको दिखाए जा सकते हैं। अगर आपको इतना भी कष्ट नहीं करना है तो अपने मोबाइल पे आप रेल दृष्टि इस नाम का एक मोबाइल ऐप है, उस मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, आपको देश के हर स्टेशन की फोटो, रीसेंट फोटो मिलती रहेगी और हम बार बार उसको नई फोटो लगाते रहते हैं। यही हमारा काम पे निगरानी रखने का तरीका है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो स्वच्छता की तरफ अभी बायो टॉयलेट्स की भी बात हुई, किसने अलग अलग आंकड़े दिए पता नहीं कहाँ से दिए, पर मुझे खुशी है बताते हुए 99.5% कोचेज में आज बायो टॉयलेट लग चुका है। 99.5% 500 रहते हैं, 15-20 दिन में, महीने में वो भी खत्म हो जाए, 100% ODF हो जाएगा रेलवे। और आपको याद है मेरे मंत्री महोदय मित्र ने भी कहा कैसी बदबू आती थी एक जमाने, आज किधर आपको बदबू नहीं आएगी। और ये सर सेफ्टी के लिए भी जरूरी था, क्योंकि जो यूरिक एसिड ट्रैक में जो मल जाता था उससे यूरिक एसिड ट्रैक को खराब करती थी, उससे सेफ्टी पे भी परिणाम आता, उससे जल्दी ट्रैक रिप्लेसमेंट करना पड़ता था, उससे खर्चा बढ़ता था। ये एक बड़ा होलिस्टिक सोच है प्रधानमंत्री जी की, जिसके कारण हमने स्वच्छता को बल दिया है। सिर्फ मुंबई अकेले में, और मेरे मित्र अनिल जी को खुशी होगी जान के, पिछले वर्ष सिर्फ मुंबई में 3 लाख क्यूबिक मीटर कचरा हमने ट्रैक से हटा के लैंडफिल में मग ट्रेन द्वारा भेजा। मेरा आप सबसे अनुरोध है, अगर आप हमारी मदद करें कि अपने अपने इलाके में हम स्वच्छता तो हम करेंगे, पर स्वच्छता हम रखने के लिए जनता को और प्रेरित करें, आप सबका सहयोग रहा तो ये हम स्वच्छता आगे भी मेंटेन करने में सफल होंगे और यही एक प्रकार से हम अगली पीढ़ी के लिए छोड़ के जा सकते हैं विरासत, कि स्वच्छता हमारे जीवन में एक मिशन के रूप में हम बना लें। ऐसे ही मैकेनाइज्ड कोच वॉशिंग सर, पहले कोच जेट स्प्रे से वॉश होते थे, 16,500 लीटर एक रेक की क्लीनिंग में लगता था, और जेट स्प्रे से आप सब जानते हैं कि कोई कोच क्लीन हो ही नहीं सकता, इतनी मट्टी जम जाती है। हमने मैकेनाइज्ड ऑटो कोच वॉशिंग प्लांट्स 125 सैंक्शन किए, 18 तो लग चुके हैं, तेज गति से देश भर में लग रहे हैं। इससे 96% पानी की बचत होती है, 96% वाटर। तो जो हमारा जल जीवन मिशन है, जिससे हम हर घर नल से जल देना चाहते हैं, उसमें भी हमें सहायता मिलेगी और इसका पेबैक अध्यक्ष महोदय मात्र 2-2.5 वर्ष है, इतना पानी बचेगा, क्योंकि 16,500 के बदले सिर्फ 1500 लीटर लगेगा, उसमें भी हम रिसाइकल कर रहे हैं, जिससे मात्र 4% अब पानी एक कोच को धोने में हमारी जरूरत पड़ेगी। ऐसे ही मैकेनाइज क्लीनिंग कॉन्ट्रैक्ट 953 स्टेशन पे दिए गए और उनकी पेमेंट लिंक की है कस्टमर फीडबैक से, कि अगर आप स्वच्छ रखोगे, हमारे यात्री कहेंगे अब उनको स्वच्छता का अनुभव हुआ, उसके हिसाब से इंसेंटिव मिलेगा। ऐसे ही हमने क्विक वाटरिंग की फैसिलिटी सब जगह लगानी शुरू की है, 161 जगह लोकेट किए हैं, जिसमें से 42 पे फास्टर वाटरिंग, पाइप बड़ा करके पंप का साइज बढ़ा दिया। पहले एक कंप्लेन रहती थी कि गाड़ी में पानी खत्म हो गया, उसकी रूट कॉज एनालिसिस करके ध्यान आया कि पानी तो भरता ही नहीं है टंकी में ऊपर तक, पुराने पाइप हो गए, छोटे पाइप है, पहले ट्रेन आधा आधा घंटा रुकती थी कोयला लेने के लिए,
स्टीम लोकोमोटिव आज 2-5 मिनट रुकती है, उतने में पानी भरता ही नहीं, तो हमने उसको आधारभूत परिवर्तन करके उसका भी समस्या का समाधान शुरू कर दिया। ऑनबोर्ड हाउसकीपिंग सर्विस पे मेरे मित्र मनोज जहाँ मेरी टिप्पणी कर रहे थे, मनोज जी ये सर्विस जब लालू प्रसाद जी मंत्री थे 2008-09 में उन्होंने ही कॉन्ट्रैक्ट पे देनी शुरू की, मैंने नहीं शुरू किए। हाँ मैंने उस पर गति दी है, मैंने अब इतनी कर दी है कि आज के दिन लगभग 1100 पेयर्स ऑफ ट्रेन्स में ऑनबोर्ड हाउसकीपिंग सर्विस है, आस्ते आस्ते उसको बढ़ा रहे जिससे स्वच्छता सभी को लाभ मिले। अध्यक्ष महोदय एंक्रोचमेंट की बात कई मान्य सदस्यों ने की, मान्य लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने बहुत अच्छी बात कही, आपकी बात सही है, अस्पताल बने सब तो है, पर हमारे पास 1,00,000 एकड़ के करीब है देश भर में, उतना तो जमीन लगेगी नहीं। वैसे आपकी जानकारी के लिए हमने शुरू कर दिया ये प्रोसेस कि रेलवे अस्पताल में पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स जो पहले 108 थी उसको बढ़ा के 272 करने का प्रोसेस ऑलरेडी शुरू हो गया। मेरे मंत्री बनने के साथ साथ मेरा PSP डॉक्टर था तो उसको इस काम पे लगा रखा था और बहुत इस पे प्रगति हुई है। ऐसे ही हमारे जहाँ जहाँ अस्पताल है वहाँ मेडिकल कॉलेज का भी उसके लिए बजट एलोकेशन करने की आवश्यकता पड़ेगी, पर हमारे मन में है कि हम अस्पताल में अपने लिए डॉक्टर्स भी बनाएं, इसकी भी कोशिश तेज गति से चल रही है। पर एंक्रोचमेंट का माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाल में लगभग 2 महीने पहले एक बहुत बढ़िया निर्णय लिया है, उन्होंने कहा कि अब भारत विश्व की बड़ी रेलवेज में पहली रेलवे होगी जो 100% विद्युतीकरण हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी से चलेगी, क्यों ना हम इसको विश्व की पहली नेट जीरो यानी कार्बन एमिशन जीरो करने वाली रेलवे बनाए, और उसके लिए जो जमीन है इस पे हम 20,000 मेगावाट सौर्य ऊर्जा के उपक्रम लगाने जा रहे हैं। सौर्य ऊर्जा 20,000 मेगावाट से रेलवे की पूरी रिक्वायरमेंट मीट हो जाएगी उसमें मुझे, और यह विश्व की पहली रेलवे होगी जो इतना प्रदूषण के प्रति संवेदना दिखाएगी। मुझे आप सबकी सहयोग जरूर इतनी लगेगी कि अगर आपके राज्य में बैंक करने दे वो बिजली को, दिन में हम बैंक करें और रात को ग्रिड से ले ले, तो ये सपना सच हो पाएगा। प्रधानमंत्री जी ने हमें समय सीमा के अनुसार इसको काम करने का निर्देश दिया है और मुझे विश्वास है फर्स्ट लार्ज रेलवे इन द वर्ल्ड 100% इलेक्ट्रिफाइड एंड इलेक्ट्रिफाइड विद क्लीन एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी। वर्मा जी नहीं, प्लीज अब हर एक चीज हम लगाएंगे, हम तो लोगों को जो सस्ती बिजली दे उसको लगाने देंगे, पर जमीन हमारी रहेगी। वैसे स्वदेशी के ऊपर इस सरकार में हमने बहुत बल दिया है, जो पहले 6% इंपोर्ट होते थे अलग अलग साधन अब घट के 2.5% हो गया है और हम कोशिश कर रहे हैं इसको लगभग जीरो पे लेके जाना, सभी संसाधन के लिए हम सेल्फ रिलायंट बने, और इसका लाभ आज के दिन कोरोना वायरस के दिन तो पूरा विश्व समझ रहा है कि स्वदेशी में कितनी ताकत है और स्वदेशी की कितनी जरूरत है, तो वो भी काम हम साथ साथ में कर रहे हैं। वंदे भारत में मैं उम्मीद करूंगा आप सबको कभी ना कभी मौका मिला है ट्रैवल करने का, जो मान्य सांसद अभी तक नहीं जा पाए मैं आमंत्रित करूंगा, आप वैष्णो देवी जाना चाहे, कटरा जाना चाहें या बनारस जाना चाहें, प्रयागराज कानपुर होते हुए, तो वंदे भारत में आपको एक वर्ल्ड क्लास ट्रैवल का अनुभव मिलेगा। भारत के इंजीनियर्स ने बनाई हुई, भारत के कर्मचारियों ने बनाई हुई ये पहली रेल सेट है आधुनिक टेक्नोलॉजी की, हमें गर्व है उनके ऊपर, और मैं समझता हूँ पूरा सदन हमारे भारत के इंजीनियर्स और भारत के कर्मचारियों को सराहना देगा उनके अच्छे काम के लिए। इसी प्रकार से किसान रेल के माध्यम से किसानों को अधिक से अधिक सुविधाएं मिले उसके लिए भी हम प्रतिबद्ध हैं, एग्रीकल्चर रेलवे मिलके इसमें अलग अलग प्रकार से क्या क्या जरूरतें हैं, और एक तो पक्का गुलाम नबी जी हमारा इरादा है कि
जम्मू कश्मीर का सेब कन्याकुमारी तक पहुंचे, ये तो शत प्रतिशत हमारा संकल्प है कि इस देश के कोने कोने तक लोगों को कश्मीर का सेब का स्वाद और आनंद दिलाने का काम हम रेलवे से कर पाए, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। कुछ मान्य सदस्यों ने एम्प्लॉयमेंट की भी बात की और कुछ ने कहा कि एससी एसटी के भी आंकड़े चाहिए थे, तो मुझे सूचित करते हुए खुशी है कि 2018 और 19 के बीच हमने 1,18,930 लोगों को नई नौकरियां दी है, उसमें शेड्यूल्ड कास्ट 17,901 है, शेड्यूल्ड ट्राइब 9,196 है, ओबीसी 30,139 है। जब तक ये प्रोसेस शुरू हो गया था तब तक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का प्रावधान नहीं हुआ था, वो प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने सदन से पारित कराया 2018 में। अब जो अगली भर्ती है उसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी 10% रिजर्व किया जाएगा। दिव्यांगों को भी 1,680 नौकरियां रेलवे दे पाया है और मैं समझता हूं कि हर प्रकार से भारतीय रेल इस देश में युवा युवतियों के उमंग और उत्साह को रिस्पेक्ट करते हैं। आगे चल के हमने नई भर्ती का प्रोसेस भी शुरू कर दिया है, उसके लिए टेंडर करना, एजेंसी ढूंढना वगैरह वो शुरू हुआ है। एक बड़े खुशी की बात है, आरपीएफ में भी हमने लगभग 10,000 लोगों को नौकरी दी। उस 10,000 आरपीएफ में 10,568 ये आंकड़ा मिला हुआ है, इसमें उसमें हमने लगभग 50% महिलाओं के लिए नौकरी दी, पहली बार भारतीय रेल। इसलिए कि महिलाओं का परसेंटेज मात्र 3% था, अब हमने बढ़ा के लगभग 9% कर दिया महिलाओं की संख्या, और मैं समझता हूँ इससे हम क्राइम अगेंस्ट वुमेन और चाइल्ड ट्रैफिकिंग पे जो एक रेलवे बहुत तेज काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा फोकस से काम कर रहा है, उसके भी आंकड़े मेरे पास है अध्यक्ष महोदय, आंकड़ों में नहीं जाऊँगा लेकिन आपको जान के खुशी होगी कि वो लगातार घटते जा रहे हैं। जो वुमेन और चाइल्ड ट्रैफिकिंग के आंकड़े हैं उस पर भी हम बहुत काम कर रहे हैं जिससे वो भी समस्या से देश को छुटकारा मिले। उसी के लिए सीसीटीवी कैमरास लगभग शायद 500-600 स्टेशन में लग चुके हैं, 2,000-3,000 स्टेशन का टेंडर बाहर निकला हुआ है, और तेज गति से हमारी इच्छा है कि देश के सभी स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरा लग जाए, उसका लिंक लोकल पुलिस थाने और रेलवे अधिकारियों को भी मिले। अगले चरण में टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने एग्री किया हमें 700 मेगाहर्ट्ज का 5 स्पेक्ट्रम देने के लिए, जितनी आवश्यक है उतना स्पेक्ट्रम देने के लिए 700 मेगाहर्ट्ज में, जिससे हम अति आधुनिक सिग्नलिंग, जिसके लिए इस बजट में 21,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, और आगे चल के सीसीटीवी कैमरा कोच के अंदर भी लगा सके, इसके लिए हम तेजी से काम कर रहे हैं। आपने सुंदरता तो स्टेशन में देखी होगी, चाहे वो बिहार की मधुबनी की पेंटिंग हो, चाहे महाराष्ट्र की वारकरी हो, अलग अलग क्षेत्रों के हमारे कलाकार रेलवे स्टेशनों में सुंदरता पे काम कर रहे हैं। आपको ये भी जान के खुशी होगी कि एस्केलेटर्स और लिफ्ट्स इतनी तेज गति से बढ़ रहे हैं रेलवे स्टेशन्स में कि अपने आप में वो भी एक नया रिकॉर्ड बन गया है। मार्च 14 तक मात्र 143 एस्केलेटर्स और 97 लिफ्ट्स थे, हमने गत 5 वर्षों में 519 अधिक एस्केलेटर लगाए, 519 एडिशनल और 391 लिफ्ट्स, ये सब पैसेंजर्स की सुविधाओं के लिए। लाइटिंग आप देखिए स्टेशनों पे, आज लगभग 8,000 स्टेशन पे शत प्रतिशत एलईडी ब्राइट लाइट्स लग गई हैं, और जिसमें करीब करीब 400 ऐसे स्टेशन हैं जिसमें एयरपोर्ट के दर्ज की लाइटिंग हम लगाने में कामयाब हुए हैं। साथ ही साथ विस्टाडोम कोचेस हम बड़े पैमाने में लगाने में लगे हैं, जिसमें चारों दिशा, तीनों दिशा में, साइड्स में और ऊपर आपको व्यू मिलेगा। कश्मीर में भी जो लाइन बारामुल्ला जाती है
उस पर भी विस्टाडोम कोच लगाने की हमारी कल्पना है। और इसी प्रकार से कस्टमर इज किंग, जो महात्मा गांधी जी का एक प्रकार से हमें मापदंड था, हम कस्टमर इज किंग के को अपना मूल मंत्र मान के इस रेलवे में काम कर रहे हैं। पंक्चुअलिटी पे भी पहले एक जमाना था 4 घंटे 8 घंटे 16 घंटे, आज आप इतने ट्रेनों में इतना लेट विलंबित हो रही है ऐसा नहीं सुनेंगे। फोकस अटेंशन, जहाँ जहाँ कैपेसिटी ओवर यूटिलाइज है वहाँ एडिशनल लाइन जल्द से जल्द लगा के डीक्लॉक करके पंक्चुअलिटी सुधारना, अभी अभी कंसल्टेटिव कमिटी ने तय किया। माननीय मंत्री जी, ये स्टॉपेजेस भी हम सब रिव्यू करके थोड़े कम करें, जिससे और नई ट्रेन और नए स्टॉपेजेस हम देने में सफल होंगे। और मैं समझता हूँ कि भारत के देश के जनता की आशाएं आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जो सभी माननीय सदस्यों की भावना है, उस भावना को सामने रखते हुए हम एक विश्व स्तरीय रेल, वर्ल्ड क्लास रेलवे बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। एक कहा जाता है कि जब तक नई सोच ना हो, इनोवेशन ना हो, तब तक बदलाव आएगा नहीं, बदलाव महसूस नहीं होगा। आज की आपकी रेलवे एक नई सोच के साथ, नई टेक्नोलॉजीज के साथ, नए नए काम करने के ढंग के साथ, देश की बदलती सोच को सस्टेनेबिलिटी के साथ जोड़ के एक नए विकास के रूप में चल रही है। मुझे पूरा विश्वास है माननीय सदस्य इसी प्रकार से आगे भी हमारा मदद करते रहेंगे। अगले 12 वर्षों में हम 50 लाख करोड़ का निवेश करने जा रहे हैं। स्वाभाविक रूप से सरकार इतना नहीं खर्च पाएगी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में साथ में निवेश करेंगे, भारत की जनता को भी उस निवेश में सहभाग लेने का अवसर मिलेगा। पर मैं ये शुद्ध रूप से स्पष्ट कर दूं कि भारतीय रेल को प्राइवेटाइज करने की ना तो कोई प्रस्ताव है, कल्पना है, और ना कभी प्राइवेटाइज होगा। भारतीय रेल भारत की जनता की संपत्ति है, जनता की संपत्ति रहेगी। लेकिन विकास की रिक्वायरमेंट्स को सामने रखते हुए अगर कुछ नई चीजें हम रेलवे में लाएं तो उससे देश का लाभ होगा, देश की जनता को नए तरीके से सुविधाएं मिलेंगी, और उस सुविधा के लिए हम आप सबका और देश के 13 लाख रेल कर्मचारियों का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, उनकी सराहना करते हैं। कठिन से कठिन मौके में रेल कर्मचारी दिन रात काम करते हैं, जैसे माननीय सांसद काम करते हैं, और हम सब मिलजुल कर भारतीय रेल को विश्व की नंबर 1 रेलवे बनाए, ये हमारी कल्पना। धन्यवाद। जस्ट प्लीज डेरिक, नो किसी को इजाजत नहीं, नो डेरिक जी ने बहस को इनिशिएट किया था, श्री डेरिक ओब्रायन प्लीज पुट योर क्वेरीज, नो नॉट अलाउड, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड, मिस्टर डेरिक ओब्रायन जी नहीं नहीं रिकॉर्ड पे जा रहा, प्लीज आप बैठे, श्री प्लीज टेक योर सीट। श्री डेरिक ओब्रायन जी ने बहस इनिशिएट किया था, रिक्वेस्ट बी प्लीज ब्रीफ सर। आई विल बी वेरी ब्रीफ बिकॉज 26 एमपी स्पोक एंड 2 मिनिस्टर स्पोक, सो वी वर एक्सपेक्टिंग सम आंसर्स, यू हैव बीन वेरी जेनरस बिकॉज यू केप्ट टेलिंग द मिनिस्टर फिनिश जल्दी से फिनिश। तो आई हैव गोट टू रिपीट 6 क्वेश्चंस, वो 6 क्वेश्चंस का आंसर नहीं मिला तो आप दूसरे चांस नहीं देंगे, क्योंकि फिर हमको उनका चेंबर में बुलाएंगे, आंसर हमको चेंबर में आंसर नहीं चाहिए। एक नंबर प्रश्न पूछा, 6 साल में फ्रेट का जो ग्रोथ था 4%, वो घट के अभी 1% क्यों हुआ? नॉट वन वर्ड ऑन दैट प्लीज, पॉइंट 6 पॉइंट्स। दूसरा, रेवेन्यू रिसीट, ये बुलेट ट्रेन नहीं है, ये बुलेट पॉइंट्स है। अच्छा, रेवेन्यू रिसीट घट के -78% क्यों हुआ? रेवेन्यू डिफिसिट 25,000 करोड़ क्यों हुआ? एक लाइन नहीं बताया। तीसरा, रेलवेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 7,000-8,000 करोड़ देता था हर साल, 3 साल में नहीं दिया, वो पैसा अभी एक हो गया। एक सेकंड। चार नंबर, बुलेट ट्रेन का डेट अनाउंस हुआ था बाहर में 2022 या 2023, आज आप लोग आंसर सुन लिया, क्या उत्तर सुना? स्टेट गवर्नमेंट, नाउ ऑल द बेनिफिट, ऑल द डिले विल गो टू स्टेट गवर्नमेंट।
Minister did not tell me when bullet train is coming. Wait. Fourth, 1 minute. Fourth one he did not say. Before 2017, sabko samajhna hai, when the railways would do a project, it would do 100% central government. Now it has become 50% state government funding, 50% central government funding. The model is different. Sat point hai, sir. Mera panchwa point hai. Electrification, bio toilet. Ye Indian Railways 2014 saal mein nahi sthapit hua. 2009 vision document of Mamata Banerjee, 2009 vision 2020. Please. You see, sir, two more points. Parliament ka jab rail mantri bhashan diya, hum log ek baar bhi tipni nahi kiya. Please put your query. We are talking facts, we got no answers. Please put your queries. Two more points. Yes, I've got two more specific points. When there's a project which is successful, then the center will want to take the credit. When it is not successful, you want to blame the state government. My basic question here is, you dare not anybody call the people of Bengal anti-national. Please withdraw that comment. Who said this on the floor of the house? Please. Bengal ko de raha hai. Kya Punjab ko de raha hai? Anti-national. Ye BJP ka line hai. Now the minister will reply. Nothing is going on record. You withdraw this comment. Minister will reply. How dare you call the people of Bengal anti-national? Nothing is going on record. Please. It will be examined. It will be examined. Yes. जब सदन पे चर्चा होती है, it will be examined. अलग-अलग प्रश्न आते हैं. There is it will be examined. अलग-अलग प्रश्न उठाए जाते हैं. It will be examined. लोकसभा में भी लगभग 100 के करीब स्पीच हुए और कई सारे माननीय सदस्यों ने अपनी अपनी बात रखी. मेरे पास हर एक का जवाब था, लेकिन वो मैं करता हूँ तो 4-5 घंटे मुझे जवाब देने में लगेंगे. नहीं, आप पहुंच गए. लास्ट मैंने एक ओवरऑल पिक्चर और सोच दिखाई. पिछले बार भी जब चर्चा हुई थी, हर एक माननीय सदस्य ने जो विषय उठाए, हमने हर एक का इंडिविजुअल रिप्लाई हर सदस्य को दोनों सदनों में लिखित रूप से जो जो विषय उठाए गए थे सबका दिया दोनों सदनों में. इस बार भी लोकसभा में भी मैंने आश्वासन दिया, यहाँ भी जो जो विषय अलग अलग माननीय सदस्य ने उठाए उसका स्पेसिफिक रिप्लाई डिटेल सहित हर एक माननीय सदस्य को पहले से हमने प्रथा जुलाई में भी की थी, अभी भी करेंगे, सबको मिलेगी. रही बात, एक तो काफी कुछ आंकड़े एकदम गलत बताए जा रहे थे, लेकिन 2012-13 से जब उनकी पार्टी यूपीए के सरकार की एक अभिन्न हिस्सा थी, तब से ही स्टेट्स के साथ ये 50-50 शेयरिंग का प्रोसेस नए प्रोजेक्ट्स वगैरह में शुरू हो गया था. तो ये कोई बीजेपी ने नहीं शुरू किया, एनडीए सरकार ने नहीं शुरू किया, ये हमें विरासत में और करेक्ट है, क्योंकि स्टेट की जिसको कहते हैं अंग्रेजी में स्किन इन द गेम होती है, तो प्रोजेक्ट भी तेज गति से लगता है. और मैंने तो जो जो बताया वो फैक्चुअल था. आखिर बिना जमीन के हवा में तो पटड़ी नहीं लग सकती है. दूसरी कुछ बातें वो लॉसेस की और फलाना ढिमका कह रही थी, वैसे मैं पोलिटिसाइज नहीं करना चाह रहा था. करना चाहता तो मैं भी कोट कर सकता था ममता जी के राज्य का क्या कारनामे थे. मैं भी कोट कर सकता था कि वो तो कैबिनेट मीटिंग तक में नहीं पधारते थे, उनकी अटेंडेंस कैबिनेट मीटिंग में वॉज द लोएस्ट. मैं भी पेश कर सकता था कैसे बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट आर्टिकल्स आते थे, इंडियन रेलवेज बैंकक्रप्ट अंडर ममता. मैं भी लिख सकता था, फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज रिस्पॉन्डेड बाय सेइंग रेलवेज नीड टू हैव अ सर्टेन डिसिप्लिन. रेलवेज मिनिस्टर ममता बनर्जी कांट ब्लेम एनीबडी बट हरसेल्फ फॉर पुटिंग द ऑर्गेनाइजेशन इन रेड. मैं भी बोल सकता था कि उन्होंने कहा था 100 किलोमीटर नई लाइन आएंगी, पर 10% भी नहीं आई. मैंने कब कहा कि बायो टॉयलेट हमने शुरू किया. मैंने बताया
कि आपके समय में थोड़े 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 लगते थे, हमने 99.5% मल्टी वेरियस टाइम्स ग्रोथ किया। तो मैं समझता हूँ जो गति और स्पीड हम लाए हैं उसके एक मैंने कल्पना दी, इंडिविजुअल रिस्पॉन्स सबको मिल जाए।